नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के कारनामे से पूरी दुनिया वाकिफ है। इनके राज में अधिकारी हो या आम जनता, किसी से भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जब भी किसी बात पर तानाशाह का दिमाग सनक जाता है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। हाल ही में इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। दरअसल जब नॉर्थ कोरिया में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान चली गई और 15,000 से अधिक लोग बेघर हो गए, तो किम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अपने ही 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाने का ऐलान कर दिया। उन अधिकारियों का अपराध सिर्फ इतना था कि वे सभी बाढ़ की तबाही रोक पाने में नाकाम साबित हुए थे और 1 से 4,000 लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि उन अधिकारियों पर करप्शन के भी चार्ज थे। दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया था। वहां की बदहाल स्थिति देख वह आग बबूला हो गए। हजारों लोगों की मौत से आहत होकर इसका जिम्मेदार 29 अधिकारियों को बताया और 29 अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जुलाई में नॉर्थ कोरिया के चगांग प्रांत में आई विनाशकारी त्रासदी के बाद तानाशाह किम ने 29 वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त सजा देने का आदेश दिया था। हालांकि अभी तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा के दौरान एक आपातकालीन बैठक में किम जोंग उन ने जिन नेताओं को बर्खास्त किया था, उनमें 2019 से चगांग प्रांत की प्रांतीय पार्टी समिति के सचिव कांग बोंग हुन भी शामिल थे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके शासन में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। यहां सार्वजनिक फांसी की सजा आम बात है। कोरोना पैंडेमिक से पहले नॉर्थ कोरिया में हर साल औसतन 10 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के बाद ये दर और भी बढ़ गई। कहा जा रहा है कि पिछले साल यानी साल 2023 में यहाँ कम से कम 100 लोगों को सार्वजनिक फांसी दी गई थी। किम ने अपने तानाशाही से इतिहास में अपनी जगह बनाई। तानाशाही के किस्से सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपने पिता की मौत के बाद सत्ता संभाली थी। किम जोंग उन जब सत्ता में आए हैं तब से सत्ता में प्रभावशाली बनकर उभर रहे नेताओं और अधिकारियों की हत्या करा चुके हैं। अब तक जिन 60 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है उनमें किम जोंग के कई सगे संबंधी भी शामिल हैं। किम जोंग उन पर उनके अंकल को भी मौत के घाट उतारने का इल्जाम है। दुनिया भर में किम जोंग को सनकी तानाशाह के तौर पर जाना जाता है। इस बात पर एक बार फिर उनकी इस्तुनुक मिजाजी के रूप में देखने को मिला है जब उन्होंने अपने 30 अधिकारियों को महज लापरवाही के आरोप में मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। और देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के कारनामे से पूरी दुनिया वाकिफ है। इनके राज में अधिकारी हो या आम जनता, किसी से भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जब भी किसी बात पर तानाशाह का दिमाग सनक जाता है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। हाल ही में इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। दरअसल जब नॉर्थ कोरिया में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान चली गई और 15,000 से अधिक लोग बेघर हो गए, तो किम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अपने ही 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाने का ऐलान कर दिया। उन अधिकारियों का अपराध सिर्फ इतना था कि वे सभी बाढ़ की तबाही रोक पाने में नाकाम साबित हुए थे और 1 से 4,000 लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि उन अधिकारियों पर करप्शन के भी चार्ज थे। दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया था। वहां की बदहाल स्थिति देख वह आग बबूला हो गए। हजारों लोगों की मौत से आहत होकर इसका जिम्मेदार 29 अधिकारियों को बताया और 29 अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जुलाई में नॉर्थ कोरिया के चगांग प्रांत में आई विनाशकारी त्रासदी के बाद तानाशाह किम ने 29 वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त सजा देने का आदेश दिया था। हालांकि अभी तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा के दौरान एक आपातकालीन बैठक में किम जोंग उन ने जिन नेताओं को बर्खास्त किया था, उनमें 2019 से चगांग प्रांत की प्रांतीय पार्टी समिति के सचिव कांग बोंग हुन भी शामिल थे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के शासन में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। यहां सार्वजनिक फांसी की सजा आम बात है। कोरोना पैंडेमिक से पहले नॉर्थ कोरिया में हर साल औसतन 10 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के बाद ये दर और भी बढ़ गई। कहा जा रहा है कि पिछले साल यानी साल 2023 में यहाँ कम से कम 100 लोगों को सार्वजनिक फांसी दी गई थी।
किम ने अपने तानाशाही से इतिहास में अपनी जगह बनाई। तानाशाही के किस्से सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपने पिता की मौत के बाद सत्ता संभाली थी। किम जोंग उन जब सत्ता में आए हैं तब से सत्ता में प्रभावशाली बनकर उभर रहे नेताओं और अधिकारियों की हत्या करा चुके हैं। अब तक जिन 60 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है उनमें किम जोंग के कई सगे संबंधी भी शामिल हैं। किम जोंग उन पर उनके अंकल को भी मौत के घाट उतारने का इल्जाम है। दुनिया भर में किम जोंग को सनकी तानाशाह के तौर पर जाना जाता है। इस बात पर एक बार फिर उनकी इस्तुनुक मिजाजी के रूप में देखने को मिला है जब उन्होंने अपने 30 अधिकारियों को महज लापरवाही के आरोप में मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। और देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।